सरकार के पूर्व गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री जो रह चुके हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, लीड ऑफ हाउस लोकसभा ऑनरेबल श्री सुशील कुमार जी शिंदे, गेस्ट ऑफ ऑनर है पद्मश्री, पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित डॉक्टर विजय भाटकर जी, we all know, have watched many of his films on YouTube, very inspiring, eye-opening talks. Padma Bhushan, and cardiologist, scientist, educational, and author. So I'd like to welcome on stage Dr. R. Nagaratna ji, who's been awarded the Karnataka Kalpavali Award for Service to Women through Yoga, and a Doctor's Day Award by the Indian Medical Association, Bengaluru, an MBBS, MD and FRCP from UK. She's a consulting physician and yoga therapy consultant at Swami Vivekananda Yoga Research Foundation, S. Vyasa, in Bangalore.
साथी है कि ऐसा काम सरकार ने, मैं तो जहां भी हूँ सत्ता पे नहीं होते हुए क्या हो गया, लेकिन जहां भी हम बोल सकेंगे वहां बोलेंगे, लेकिन इसको रिकग्निशन होना चाहिए। एक बार रिकग्निशन हो जाएगा तो पूरे ये काम राष्ट्र में काम निर्माण हो जाएगा। आई फाइंड वन थिंग वेरी डिफिकल्ट, विल आई पास द एक्सेस नेक्स्ट ईयर, म्हणजे मी या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होईल का याची मला थोडीशी शंका आहे। पण यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टर निखिल आहेत, डॉक्टर प्रमोद आहेत, ऋतू आहे, याच्यामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी सुद्धा एक संकल्प करतो आहे की पुढच्या वर्षी ही टेस्ट मी पास करणारच, त्याच्यामध्ये हा निर्धार करतो आहे। इवन आय हॅव बीन वर्किंग इन दिस एरिया फॉर लास्ट हाफ अ सेंचुरी, बट आय नेव्हर थॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ अन एफर्ट। आय हॅव लॉट ऑफ पेशंट्स हु आर नॉट ऑन ड्रग्स, आय हॅव टेकन देम ऑफ ड्रग्स, बट देअर नॉट हंड्रेड्स, थाउजंड्स ऑफ देम, बट वी हॅव नॉट हॅड एन एफर्ट लाईक दिस टू रिअली हायलाईट दॅट एरिया। आय थँक यू फॉर युअर गायडन्स, थँक यू व्हेरी मच, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थँक यू, विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ दिस महोत्सव, मुक्ति महोत्सव। आय कंग्रॅच्युलेट ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू हु हॅव पास दिस GTT टेस्ट, विच इज लाईक ए अग्नि परीक्षा शिवस्थली। We would like to thank all the seen and unseen energies of the universe who have been unconditionally guiding and supporting us. When we started to dream and create and expand the freedom movement, we really thank you from the bottom of our hearts. Please keep blessing us.